ऐसे हमारे बीच में एक हैं जिनको आप शायद जानते भी हों काफ़ी लोग रमेश जी अग्रवाल जब इन्होंने इंडियन एयरफोर्स छोड़ी तो इनके पास जितना पैसा था सब दे दिया एक रुपया कुल रख के मुझे नहीं पता उस वक़्त इनके मन में क्या चल रहा होगा और आज देखिए घर बसाने का काम करते हैं लोगों का काम भी करते हैं और अपना व्यापार भी करते हैं आइए रमेश जी अग्रवाल से मिलते हैं रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रमेश जी आप बताइए अभी आज जो आज बयासी से पचासी हज़ार घर आप हर साल कम से कम एक साल में मूव करते हैं तो किस प्रकार की फीलिंग आपके मन में आती है क्या लगता है आपको व्यापार तो है अपनी जगह ये क्या फीलिंग आती है उसके उस समय ये सब करते हुए बिजनेस में एक सिखाया जाता है कि जहाँ मोर पेन वहाँ गेन जब मैं भारतीय वायुसेना में सर्विस करता था और एक सरकारी नौकरी को छोड़कर व्यापार की तरफ जाना और वो सरकारी नौकरी भी डिफेंस की कि छोड़ना भी बहुत आसान नहीं होता तो एक रिस्क ली और रिस्क के अंदर किस तरह से एक कैलकुलेटिव रिस्क ली पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया एक पेन समझा पहले क्योंकि मैं डिफेंस में था तो एक पेन था कि जब हमारा प्रमोशन होता है तो खुशी होती थी बस साथ के साथ जब घर शिफ्ट होता था तो वहाँ बड़ी पेन होती थी क्योंकि ये कहाँ से इकट्ठा किया हुआ है ये कहाँ से लाया हुआ है ये जाएगा कैसे तो ऐसा महसूस किया कि शिफ्टिंग इज ए पेनफुल तो सोचा कि जब पेनफुल एरिया है यदि मान लो इसमें काम किया जाए तो बहुत ही फायदेमंद होगा तो इस तरह से एक महसूस किया कि इस रिस्क ले लो अपने आप और बहुत बढ़िया बन जाएगा जैसे घर बनाते हैं तो पहला क्या करते हैं ब्लू प्रिंट बनाते हो उसके बाद आप बाद में सोचते हो कि क्या क्या होना चाहिए इसी तरह मैंने एक ब्लू प्रिंट बनाया कि किस तरह से ये काम किया जाए और उसके मुताबिक और दिल और दिमाग में दिखाया कि ये काम भरोसेमंद है बढ़िया है और इस तरह से वो काम करना शुरू किया तो देखिए इससे एक सीख मिलती है मुझे बहुत से लोग क्वेश्चन भेजते हैं मेल पर के कोई नया काम बताइए क्या किया जाए मेरा जवाब भी यही होता है जो अभी रमेश जी ने कहा अगर आप सजग हैं अपने आसपास देख रहे हैं समझ रहे हैं कहीं जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं कुछ भी उसके प्रति सजग अगर हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि लोगों की क्या आवश्यकता है जो पूरी नहीं हो रही है उसी में आपको कोई ना कोई व्यापार की करने की चीज़ किसी ना कुछ चीज़ सीखने में मिल जाएगी जैसे इन्होंने क्या कहा कि जब इनका प्रमोशन डिफेंस में होता था तो लोग अपना घर बदलते थे तो किस तरह से तकलीफ होती थी तो उसमें से समझ लिया कि ये बिजनेस करने जैसा है और उसमें आगे कामयाब भी हुए जब आपने नौकरी छोड़ी थी और आपने वो टोटल जो अपनी इनकम थी ग्रेचुटी की वो आपने सारी वाइफ डोनेशन को दा, सब दान कर दी थी तो उस वक्त चूँकि वो जिंदगी भर की आपकी कमाई थी और वो आपने दान कर दी थी तो आपने क्या ये फैसला इतना बड़ा लिया तो आपको उस वक्त कैसा लगा होगा जिस परिवार में पैदा हुआ वहाँ एक ही चीज कहा जाता था कि आप हम जो कुछ देते हैं उसको दान मत समझो आप मैंने कभी देने को उसको दान नहीं समझा उसको मेरी फिक्स डिपोजिट एफ समझा वेरी गुड बहुत अच्छी बात और ये विश्वास है कि एफ कभी भी आपकी मल्टीपल होती है वो कम नहीं होती तो मैं जब चालीस पैंतालीस हजार रुपये एफ कर रहा था तो मेरे को दिमाग में था ही तो मेरे मल्टीपल होंगे तो दो तरह की एफ होती है बैंक में तो पाँच साल छः साल में होती है और किसी सामाजिक समाज के देश के जिस काम में करेंगे तो शायद वो पाँच साल में कई मल्टीपल हो जाती है तो वो एफ ही की थी मैंने और वो मेरा कोई विश्वास इसलिए था कि हमारे परिवार में घर में जिस तरह का माहौल था तो उसी से सीखा उसी संस्कार से ये एफ करने की हिम्मत मिली वेरी गुड बड़ी अच्छी बात हाँ सर अभी आप कैलकुलेटिव रिस्क की बात कर रहे थे तो कैलकुलेटिव रिस्क से क्या परिभाषा देते हैं आप उसे देखो आप हम जब व्यापार करते हैं मैंने एक ये व्यापार किया क्योंकि मेरे को ये दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से जो गाँव से लोग टाउन की तरफ जा रहे हैं टाउन से शहर की तरफ जा रहे हैं शहर से महानगर की जा, जा रहे हैं तो ये जो तो साइकिल चल रहा है इसमें डेफिनेटली और एजुकेशन की तरफ हर आदमी बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा कि हर आदमी को एक जब नौकरी मिलेगी बड़े शहर में जाएंगे तो घर का शिफ्टिंग होना बहुत जरूरी है तो वहाँ नाइनटीन एटी सेवन में हालांकि बहुत छोटी सी एक शुरुआत थी मेरे दिमाग में लग रहा था कि आने वाला इसका भविष्य है सौ साल का है आपको सोचते हैं किसी की लाइफ होती है हर चीज़ की लाइफ होती है तो मेरे इस व्यापार की लाइफ मैंने उस टाइम आंकड़ा की थी कि सौ साल से कम नहीं है तो एक रिस्क लेने का आसान मौका मिल गया मेरा रिस्क क्या था कि जब व्यापार शुरू किया था चार हज़ार रुपये किसी दोस्त की माँ से लिए चालीस रुपये मेरे पेट्रोल में फूक गए तो तीन हज़ार नौ सौ साठ रुपये मेरे पॉकेट में आए और उसके मैंने पर्चे छुपवाए रात को जब ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन होता था आर्मी का हेडक्वार्टर होता था उसके अंदर जो वाइप्रो के ऊपर डाला डल, करते थे फ्लायर और सुबह इंतजार करते थे फोन के सामने किसका फोन आएगा उसमें से एक दो फोन आ जाया करता तो रिस्क हमारी कुल चार हजार की रिस्क थी और उसको ये लग रहा था कि मेरा बिजनेस बहुत ही मल्टीपल होने वाला है तो रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क आपको रिस्क तो लेनी चाहिए तो आपको भरोसा था उस दिन भी जब आपने तीन हजार नौ सौ रुपए का रिस्क लिया उस दिन आपको अपने अंदर में आत्मविश्वास था कि मेरा बिजनेस पूरा कामयाब होगा ही होगा और बड़ा बनेगा जो हमारे व्यूअर घर पे बैठे हुए देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे दिख से पहले मैं ये कहूँगा कि दो चीज़ जब आप कोई भी काम करते हो जैसे ब्लू प्रिंट आपने बना लिया आपके दिल और दिमाग में दो सवाल आते हैं क्या जो मैं काम कर रहा हूं उसकी जो तकलीफें है वो प्रारंभ की तकलीफ है या ये तकलीफ की प्रारंभ है दोनों में फर्क है इज इट इनिशियल प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ इनिशियल्स। तो प्रारंभ की तकलीफ है तो कोई तकलीफ नहीं आराम से छोटी मोटी हो जाएगी यू विल कवर अप और यदि तकलीफ की प्रारंभ महसूस करते हो उस काम के हाथ मत लगाओ वेरी गुड बहुत अच्छी बात बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद रमेश जी भाई जैसा कहा रमेश जी ने कि तकलीफ बाद में है कि पहले है ये सोचो ऐसे ही आज की जितनी चर्चा हुई जो आपके सवाल आए जो बातें हुई मुझे लगता है कि एक चीज़ जो मुझे सीखने को मिली आज और जो मुझे लगता है कि मुझे आपको बतानी चाहिए वो ये है कि एक तो सक्सेस में खुशी नहीं है बल्कि खुशी में सक्सेस है ये ध्यान में रखिए खुश रहेंगे एकदम अच्छे मूड में रहेंगे